तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द माय न्यू ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है गाइस दिन के करीब 2 बजे से, 2 या 2:30 बजे होंगे। तो गाइस अभी का ब्लॉग बनाने का यही एक वो है। तो कल मैंने एक स्टोरी डाल दी गाइस इंस्टाग्राम और फेसबुक पे कि सेल ऑन माय बाइक। तो ऑलरेडी एक भाई ने मुझे DM करके पूछा कि भाई आप बाइक सेल कर रहे हो, तो मैंने उनसे बता दिया कि भाई मैं बाइक सेल कर रहा हूँ। तो उनके साथ कन्फर्म ही पूरी बात हो चुकी है और गाड़ी उनको भी पसंद आ गई है, गाड़ी मैंने सेल आउट कर दी है। और अभी भाई थोड़ा टेस्ट ड्राइव लेने के लिए जा रखे हैं, आपको दिखाता हूँ थोड़ा पीछे। देखो पीछे भी दिखाई तो नहीं दे रहा होगा, लेकिन आ रहे हैं अभी टेस्ट ड्राइव लेके, तो आपको मिलाते हैं उन्हीं से जिनके साथ मैंने गाड़ी सेल कर दी है, जिनको मतलब मैंने गाड़ी दे दी है। तो आ रहे हैं थोड़ा टेस्ट ड्राइव लेने जा रहे हैं, तो मिलाते हैं आपको उन्हीं से। तो फाइनली गाइस भाई आ चुके हैं बाइक के टेस्ट ड्राइव लेके, तो मैं आपको भाई से भी मिलवा दूँगा जिनको मैंने गाड़ी सेल की है। तो भाई ने अभी यहाँ आ रखे हम लोकेशन पे ऑलवेजर के ऊपर, तो भाई ने टेस्ट राइड ले लिया गाड़ी की, गाड़ी तो मिलवाता हूँ मैं आपको भाई जी से जिनको मैंने गाड़ी सेल की है। और आप देख सकते हो ये रही हमारी बाइक जिसके साथ हमारी पुरानी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। तो आज के बाद से गाइस मुश्किल ही लग रहा मेरे को कि आपको मेरे वीडियोज़ या रील्स में या शॉर्ट में ये गाड़ी देखने को मिले। तो लास्ट टाइम है गाइस, देख लो गाड़ी को अच्छी तरीके से। तो मिलवाता हूँ मैं आपको भाई से। तो गाइस मिलवाता हूँ आपके अपने भाई से जिन्होंने मुझसे गाड़ी परचेज की है। तो ये रही हमारे भाई यहाँ से। हेलो गाइस, तो ये हैं भाई जिन्होंने हमारी गाड़ी मतलब मुझसे गाड़ी परचेज की है। तो नाम बताएगा भाई आप अपना? मेरा नाम राजू बिस्ट है और मैं पौड़ी गढ़वाल का रहने वाला हूँ। देखो गाइस गाड़ी भी यहाँ नज़दीक नहीं, बहुत दूर चली गई है हमसे पौड़ी गढ़वाल, लेकिन कभी दिन आएंगे भाई यहाँ घूमने तो मुलाकात होती रहेगी। वैसे तो भाई जी मतलब वैसे बता दो आप करते क्या हो वैसे? मैं एक वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर काम करता हूँ जहाँ पर हम लोगों को हेल्थ के बारे में अवेयर करवाते हैं, जिसमें कि हमारे पास आयुर्वेदिक यस। तो इसमें अगर कोई आपसे और भी बंदे मतलब कोई लड़का या जुड़ना चाहे तो आप उनको क्या सलाह दोगे? हाँ डेफिनेटली वो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बहुत अच्छी जानकारी आज की डेट में यूट्यूब पर इसके बहुत अच्छे व्यूज हैं, पूरी हर एक चीज़ इसमें यूट्यूब में आप इसके बारे में आप देख सकते हैं वेलनेस इंडस्ट्री के बारे में। तो बहुत ही शानदार करियर अपॉर्चुनिटी है सभी, जैसे आज की डेट में बहुत सारे लोग जैसे पढ़ लिख के आज की डेट में नौकरी नहीं है तो वो लोग एक डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक बहुत बड़ा करियर बना सकते हैं अपना जी। तो भाई जी आपको मतलब गाइस आपको जो भी डिटेल या जानकारी पूछनी हो तो मैं भाई का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आप इनसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो, आपको जो कुछ पूछना होगा आप इनसे पूछ सकते हो। तो फाइनली मैंने डील डन हो चुकी है हमारी, भाई ने गाड़ी को भी चला के देख लिया है फाइनली पूरी डील डन होने के बाद। तो मिलते हैं गाइस। तो गाइस फाइनली गाइस बाइक की डील हो चुकी है डन, पीछे भाई खड़े हैं भाई के साथ और अब ये गाड़ी जाएगी हमारी कहाँ? पौड़ी गढ़वाल। अभी मिलना हो मिलेंगे भाई से, वैसे भाई का ऑफिशियली वर्क यही है चिन्याली शॉर्ट में, तो वैसे मिलते रहेंगे। लेकिन बट अब के मतलब अब कोई भी ब्लॉग या शॉर्ट में आपको मुश्किल है कि गाड़ी दिखे आपको मेरी वाली बाइक। तो मेरे को लगभग 1 ईयर ही हुए होंगे गाड़ी को परचेज़ किए हुए, तो इसी महीने मंथली तो यही है लेकिन डेट मुझे फिक्स पता नहीं है कि मंथली तो यही था कि इसी मंथली मैंने ये गाड़ी देहरादून से परचेज़ की थी, लेकिन आज कुछ नीड या कुछ भी कारण हो सकता है जिस कारण मुझे ये गाड़ी सेल आउट करनी पड़ रही है। तो आज पूरा 1 साल हुआ है मुझे गाड़ी लिए हुए। तो गाइस मैंने बोला था आपको कि ब्लॉग में बताया था मैंने एक पिछले ब्लॉग में, अगर आपने देखा होगा वो ब्लॉग, कि जो मैंने गाड़ी ली है उसके बारे में आपको डिटेल से बताऊँगा। तो डिटेल बताने से पहले गाइस वो गाड़ी मैं सेल कर रहा हूँ, क्योंकि क्या करें सिचुएशन ही ऐसी है गाइस, सेल करनी पड़ रही है मुझे गाड़ी। सिचुएशन ही ऐसे आ गई कि मुझे गाड़ी सेल करनी पड़ रही है। तो गाइस गाड़ी बेचने का मेरा खास तो कुछ रीज़न नहीं था, लेकिन ये है गाइस लाइफ में चेंजेस होना ज़रूरी है। आज ये गाड़ी है तो कल कोई दूसरी गाड़ी आएगी, वैसे बेचने का तो मन बिल्कुल नहीं था बट क्या करें गाइस, लाइफ में ये है कि चेंजेस होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना यार इसको सेल कर दूँ। तो अभी दूसरी गाड़ी की अभी कोई अपडेट नहीं है, अभी देखता हूँ जिस हिसाब से आपका रिस्पॉन्स रहेगा। अगर आप कमेंट करते हो कि भाई आप गाड़ी परचेज करो तो ज़रूर करेंगे, तो देखते हैं आगे वो आगे किसी नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। तो तब तक के लिए बाय बाय।